शांति। जब हम संगठन में आते हैं तो और भी कई बातें संगठन में हम पर प्रभाव डालती हैं। एक तो ये पुरुषार्थ करते हैं और दूसरा जब सेवा में सहयोगी बनते हैं, क्योंकि संगठन सेवा में ही अधिक होता है, तभी हम ब्राह्मण परिवार में आते हैं। मधुबन में आते हैं तो भी संगठन होता है। यह हमारा बेहद का बहुत बड़ा परिवार है, बाबा स्वरूपों का मेरा ही परिवार है। यहाँ भी हम बेहद यज्ञ में सेवा करते हैं या जहाँ भी हम संबंधों में हैं। तो यदि हम किसी के सेवा, ये भी वरदान में था कि किसी की सेवा से, किसी के गुण से, किसी की विशेषता से, किसी की कलाओं से आकर्षित होते हैं, प्रभावित होते हैं, तब फिर एक बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति नहीं कर पाते। यानी संगठन में रहते हुए भी बाबा ही आधार है, बाबा ही हमारा सर्व संबंधी है। तो एक बल, एक भरोसा रहे, ये कर्मयोगी स्थिति है। तो ये तो होना ही है, क्योंकि संगठन में जो बाबा के बच्चे हैं उनमें सभी में कोई ना कोई विशेषता तो है। बाबा ने विशेषता के अनुसार ही चुनकर इस परिवार में लाया है। विशेष गुण भी है किन्हीं आत्माओं में, तो किन्हीं का ज्ञान सुनाने का तरीका बहुत अच्छा होता है, कोई बहुत सहयोगी बनते हैं, बहुत स्नेही होते हैं, या उनकी रूहानियत बहुत अच्छी होती है, या उनकी योग की पावर बहुत अच्छी है, या बहुत ही अगर वो मीठे हैं जैसे बाबा कहता है, बहुत मधुर व्यवहार करते हैं, तो ऐसा भी लगने लगता है कि इनसे ही बात करना अच्छा लगता है, इनसे ही मिलना अच्छा लगता है, इनके साथ ही सेवा करना अच्छा लगता है, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। फर्क तो होता है ना, वैरायटी संस्कार तो हैं आत्माओं के। तो फिर अगर ही शब्द आता है, ये बाबा कहते हैं कि जहाँ भी इनसे ही अगर ये मन में बात आने लगती है किसी भी आत्मा के प्रति, तो इसका मतलब हम झुकाव और प्रभाव में हैं और धीरे धीरे वो लगाव का रूप लेने लगता है। और ये सूक्ष्म कर्म बंधन, कर्म बंधन बनता है क्योंकि ये कर्म का हिसाब किताब है। तो ऐसे समय पर मानो कोई समस्या आ जाती है हमारे ऊपर, या मन की कोई उलझन वाली बात होती है, तो फिर हमें वो आत्मा ज्यादा याद आएगी, बाबा की बजाय उसका सहारा मन को ज्यादा आकर्षित करेगा। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो साकार में हैं, शिव बाबा को निराकार है, ब्रह्मा बाबा आकार है, फरिश्ता है, तो साकार में भी तो कोई चाहिए जिससे हम अपने दिल की बात कर लें, चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या कहिए। तो फिर जब हम उस आत्मा को अपना सहारा बनाने लगते हैं और बाबा उसके बाद भी याद आता है, तब बाबा कहता है ये आत्मा का आत्मा से लेन देन का हिसाब किताब हो जाता है। और जब ये कर्म बंधन का बोझ बनता है, क्योंकि हमें बनना कर्मातीत है, तो कर्मातीत बनने की बजाय हम कर्म बंधन के बोझ वाली आत्मा बनने लगते हैं, और बाबा से जो सर्व संबंधों की अनुभूति होनी चाहिए, जो प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए, वो फिर नहीं होता है।
याद में हम कमजोर होने लगते हैं, हम गर्म लोगों की बात कर रहे हैं ना, तो कैसे संगठन में जब हम किसी आत्माओं के प्रभाव में होते हैं वो हमारे योग को कमजोर करता है, क्योंकि हम बैठेंगे योग में और याद कौन सी आत्मा आएगी, ज्यादा समय किसका चिंतन चल रहा होगा, जो उनसे हमने बातचीत की, जो उनसे हमारा हिसाब किताब लेन देन हुआ, तो बाबा से तो योग बहुत कम लगा, तो जो याद की शक्ति का अनुभव होना चाहिए, जो शक्ति आत्मा में भरनी चाहिए वो नहीं भरेगी, फिर उड़ती कला का अनुभव नहीं होगा, तीव्र पुरुषार्थ की स्थिति का अनुभव हमें नहीं होगा, फिर हमें ऐसे महसूस होगा कि बाबा का जो प्यार हम पहले अनुभव करते थे, जो नशा होता था, जो खुशी होती, तो बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म चेकिंग चाहिए अपने प्रति, जब तक, क्योंकि जब माया के सूक्ष्म रूपों को हम सूक्ष्म रीति से नहीं परखेंगे तब तक हम ये जो लगाव झुकाव के हमारे संबंध बन जाते हैं, नाम सेवा का होता है वो भी रॉयल रूप होता है, संबंध में क्यों है, सेवा के कारण, ब्राह्मणों का और तो कोई कर्म है ही नहीं, क्या कर्म करते हैं हम, जो भी कर्म करते हैं वो सब सेवा ही तो है, सेवा में ही तो संबंध में आ रहे हैं आपस में ही दूसरे के, लेकिन सेवा करते करते उसका रूप थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, तो लौकिक वालों से तो हम वो मोह मेहनत करके भी छोड़ते हैं, छोड़ते हैं ना, लौकिक वालों से स्नेह मिलता है, प्राप्ति होती है, सहयोग मिलता है, तो उस मोह के बंधन को हमें काटना है, ये हम पुरुषार्थ करते हैं कि लौकिक की तरफ ज्यादा बुद्धि नहीं जानी चाहिए, मित्र संबंधियों की हमें बहुत याद नहीं आनी चाहिए, उन संबंधों में भी हम नहीं जाते, उनके अवसरों पर शादी में ब्याह में और भी जो फंक्शन होते रहते हैं हम सब उनसे थोड़ा किनारा करते हैं, हम सोचते हैं अगर बहुत ज़्यादा हम संबंध रखेंगे तो फिर ज़्यादा उनमें बुद्धि जाएगी, लेकिन बाबा के ब्राह्मण आकर्षित करते हैं, संस्कार है ना आत्मा में, तो वो संस्कार अगर परिवर्तन नहीं हुए तो फिर वही जो स्नेह सहारा प्राप्ति ब्राह्मण आत्माओं से हो रही है उसमें बुद्धि में हम लगाव में आ जाते हैं, तो इसलिए फिर कर्म योगी स्थिति का अनुभव हम नहीं कर पाते।